अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाइनेंस एक्सचेंज पे स्टॉप मार्केट ऑर्डर क्या है। इससे पहले जो हम वहाँ पे इस्तेमाल करते थे वहाँ पे होता था स्टॉप लिमिट ऑर्डर। स्टॉप लिमिट ऑर्डर में सिंपली ये होता था कि हम एक स्टॉप प्राइस सेट करते थे, उस प्राइस पे आके एक लिमिट ऑर्डर हमारा खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता था। मगर अब बाइनेंस ने एक नया फीचर दिया है स्टॉप मार्केट के नाम से। अब स्टॉप मार्केट क्या करता है, उसको इस्तेमाल कैसे करना होता है, उसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो बेसिकली जब भी आप स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगाते थे तो वहाँ पे हम स्टॉप प्राइस सेट करते थे और लिमिट प्राइस सेट करते थे। तो ये जो हम चीज़ें सेट कर रहे होते थे तो वहाँ पे बाइनेंस ये खुद भी कहता है कि ये लाजमी नहीं है कि 100% आपका ऑर्डर यहाँ पे आके लिमिट पे हिट हो जाए। क्योंकि अगर मार्केट अगर ज़्यादा वोलेटाइल होती है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जल्दी से जाती है, जैसे कि अचानक से कोई डंप आ गया, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली गई या बहुत ज़्यादा अप चली गई, तो आपका जो लिमिट ऑर्डर है समटाइम एग्जीक्यूट होता है, समटाइम नहीं भी होता। और एग्जीक्यूट हो भी जाता है तो जो आपने प्राइस हेट की है लाजमी नहीं है कि उसी पे ही वो हिट हो। समटाइम थोड़ा सा वो प्लस प्राइस पे ऐड हो जाता है, समटाइम माइनस प्राइस पे ऐड हो जाता है, यानी कि उस प्राइस पे नहीं होता जिस प्राइस पे हम चाह रहे होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे माइनस ने दिया है स्टॉप मार्केट ऑर्डर। स्टॉप मार्केट ऑर्डर क्या करता है, आप जो भी प्राइस वहाँ पे स्टॉप पे सेट करते हैं उसी प्राइस पे आगे, चाहे आप बाय का ऑर्डर लगा रहे हैं या सेल का ऑर्डर लगा रहे हैं, वहाँ पे आके इंस्टेंटली आपका ऑर्डर बाय भी हो जाएगा और सेल भी हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपने क्या लगाया है, यानी कि जैसे कि लिमिट का यहाँ पे एक डाउट होता था कि हो सकता है कि ऑर्डर हिट हो या ना हो, या 5% का भी यहाँ चक्कर आता था कि कम से कम आप 5% डाउन रखें, कम से कम आप 5% अप रखें, जो कि रिकमेंडेड होता है बाइनेंस की तरफ से। मगर स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। एक प्राइस सेट कर लें चाहे बाय के लिए या सेल के लिए, उस जगह पे आके जैसे ही आपका कॉइन आएगा इंस्टेंटली जो मार्केट की प्राइस चल रही होगी वहाँ पे आके आपका कॉइन बाय और सेल हो जाएगा। अब ये करना कैसे है, कैसे प्राइस सेट करनी होती है, स्टॉक मार्केट कैसे सिलेक्ट करना है, चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। अगर आप मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं, लेटेस्ट सिग्नल चाहते हैं, तो आप मेरा क्रिप्टो का बिल्कुल फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये मैंने अपने पास बाइनेंस एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है, ठीक है। बाइनेंस में आने के बाद चलते हैं किसी भी क्वाइन की तरफ और वहां पे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम चलते हैं बीएनबी की तरफ, ठीक है। बीएनबी यूएसडीटी का ये पेयर है, बाय पे आ जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बाय पे आ गया। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड होता है वो लिमिट ऑर्डर होता है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करें, मार्केट ऑर्डर है, स्टॉप लिमिट है, बाकी सारी चीजों के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अब स्टॉक मार्केट यहाँ पे एक नया फीचर आया है, इसको हम प्रेस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें एक यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई स्टॉप आपको कहाँ पे करना है। अगर आप स्टॉप लिमिट पे आएंगे तो यहाँ पे देखें हम दो चीजें देते थे, एक स्टॉप करने के लिए कि भाई यहाँ पे आके मेरा ऑर्डर एक्टिवेट हो जाए, और सिंपल लिमिट में क्या होता था कि लिमिट में आके वो ऑर्डर आपका हिट हो जाता था, ठीक है। और अगर मार्केट पे आते हैं तो ये सिर्फ एक चीज यहाँ पे आती है, वो क्या है, स्टॉप। अब सबसे पहले हम बाय की बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं कि भाई कोई भी कॉइन जो आपने ओपन किया हुआ है, जैसे मैंने बीएनबी यहाँ पे ओपन किया हुआ है आपको समझाने के लिए कि भाई अगर ये कॉइन 500 पे आता है तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे भाई जितना भी मेरा अमाउंट पड़ा हुआ है उसका 25% का यहाँ पे बीएनबी बाय हो जाए। अब सिंपली क्या होगा, स्टॉक मार्केट हमने सिलेक्ट कर लिया, हमने प्राइस क्या सेट किया 500 सेलेक्ट किया है, और अमाउंट यहाँ पे हमने सेट कर लिया भाई इतने अमाउंट का मुझे बीएनबी बाय करना है, ठीक है। अब जैसे ही कॉइन आएगा यहाँ पे 500 पे, तो उसी वक्त जो मार्केट की प्राइस चल रही होगी उसी प्राइस पे ये बाय हो जाएगा। क्योंकि मार्केट अगर वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि ये ऑर्डर मेरा 498 पे बाय हो जाए, 495 पे हो जाए, 505 पे हो जाए, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, मगर आपका ऑर्डर फिल जो होगा वो इंस्टेंटली हो जाएगा। स्टॉक मार्केट का बेसिकली यही मतलब होता है, जैसे कि हम मार्केट प्राइस कोई ऑर्डर बाय करते हैं या सेल करते हैं, उसी तरह यहाँ पे हम एक प्राइस सेट कर देते हैं और स्टॉक मार्केट आगे उसको हिट करती है, ठीक है। मेरे लगे यहाँ तक आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको मिलती रहे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लगा के भी दिखाता हूँ, मैंने बाय करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द प्राइस लास्ट ड्रॉप और बिलो 500 एन ऑर्डर टू बाय 0.294 बीएनबी विल बी प्लेस्ड। वही चीजें जो मैंने आपको बताई है इसको कंफर्म करते हैं, और ये हमारा एक पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा। कंडीशन मैंने क्या रखी है, लेस देन और इक्वल टू 500। प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस है, यानी कि इंस्टेंटली आके मार्केट प्राइस पे ये बाय हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। अब यही चीज़ हम सेल के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाए सेल पे, स्टॉक मार्केट। अब फॉर एग्जाम्पल ये कॉइन आपने बाय किया हुआ है, ठीक है, आपके पास पड़ा हुआ है, और आप चाह रहे हैं कि भाई इसकी प्राइस अगर आती है 500 तक, 700 तक या 650 तक, यानी कि जो भी प्रॉफिट में आप चाह रहे हैं उसको सेल करना, तो यहाँ पे आप प्राइस सेट कर लें।
भाई अगर 650 पे जैसे ही आता है, मार्केट हो सकता है वोलेटाइल में आ जाए या सडनली आ जाए या स्लो स्लो आ जाए, तो भाई जितने भी मेरे पास बीएनबी पड़े हुए हैं वो आके यहाँ पे सारे के सारे सेल कर दो, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी हम स्टॉक मार्केट के लिए ये यूज़ कर सकते हैं कि अगर सडनली मार्केट ड्रॉप होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आप प्राइस सेट कर लें, उस प्राइस पे आके जैसे ही वहाँ पे कॉइन टच करेगी आपका कॉइन सेल हो जाएगा और नुकसान से आप बच जाएंगे। लिमिट ऑर्डर भी यही काम करता है, मगर लिमिट ऑर्डर में सम टाइम आपका ऑर्डर मिस हो जाता है और हिट नहीं होता है, जैसे कि काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ हुई होगी, मगर इसमें ये चीज़ नहीं है भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कॉइन 600 तक आ जाए तो उसी टाइम इस कॉइन को भाई सेल कर दो, इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूँगा, ना मैं लिमिट ऑर्डर लगा रहा हूँ, मगर मेरा ऑर्डर यहाँ पे उसी टाइम आके सेल कर दो। तो इससे क्या होगा कि आप लॉस से भी बच जाएंगे और प्रॉफिट के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि स्टॉप मार्केट ऑर्डर को आप बाइनेंस एक्सचेंज में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टॉप लिमिट के ऑर्डर के बारे में देखना चाहते हैं, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, ट्रेलिंग स्टॉप, ओसीओ, अल्गो, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी मेरे चैनल पे जाके, बाइनेंस के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे आपको वन बाय वन आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।